डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी पे ही है। और प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट हमने किया था कि रूल ऑफ कॉम्बिनेशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किए थे, किसके लिए, कि सैम्पल स्पेस की आउटकम्स को काउंट करने के लिए। अब इसी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इससे के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें रूल ऑफ कॉम्बिनेशन से मतलब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम करेंगे। कि पहले हम देखेंगे कि वो जो सैम्पल स्पेस बनाई जाती है वो कैसे बनाएंगी, और फिर उससे रिलेटेड मुख्तलिफ इवेंट्स की प्रॉबिबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। तो आते हैं हम इधर एग्जाम्पल की तरफ के डिस्प्ले ऑफ आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था क्या, कि अगर आपके पास तीन चार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से मिलके एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बनता है तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। वो क्या होते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते हैं। ये आपने पीछे एक लेक्चर पूरा जो है इस पर लिया हुआ है। तो अब वो आउटकम्स भी हम निकालेंगे और उसके साथ हम वो सैम्पल स्पेस जो है उसको डिस्प्ले भी करेंगे या वो सैम्पल स्पेस भी बनाएंगे। के काइंड टॉसिंग एक्सपेरिमेंट पहले लेते हैं कि मेक ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस व्हेन 1, 2, 3 और 4 काइंड्स आर टास्क। के एक काइंड को टास्क किया जाए तो सैम्पल स्पेस कैसी होगी, 2 काइंड्स को टास्क किया जाए तो सैम्पल स्पेस कैसी होगी, 3 काइंड्स को टास्क किया जाए तो सैम्पल स्पेस कैसी होगी, और 4 काइंड्स को टास्क किया जाए तो सैम्पल स्पेस कितनी होगी। ये तो आपने देख ही लिया था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि इनकी आउटकम्स कितनी बनती हैं। लेकिन फिर हम दोबारा देख लेते हैं, जब एक काइंड को टास्क करते हैं तो सैम्पल स्पेस में 2 ही आउटकम्स होती हैं। आउटकम्स क्या होती हैं कि 2 तरह के ही पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। सैम्पल स्पेस जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती है, कि तमाम पॉसिबल आउटकम का एक सेट बना लिया जाए तो वो सैम्पल स्पेस। एक काइंड पे 2 आउटकम्स आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। तो ये एक काइंड के लिए आपकी सैम्पल स्पेस बन गई। एस से सैम्पल स्पेस जाहिर करते हैं, हेड एच से और टी टेल से। अगर हम 2 काइंड्स को टास्क करते हैं तो ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंट बन गया, जो 2 एक्सपेरिमेंट से मिलके बना है, एक पहला काइंड और एक दूसरा काइंड। पहले काइंड की भी 2 आउटकम है, दूसरे काइंड की भी 2 आउटकम्स हैं। और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है कि जब दोनों आप मिला के काइंड को थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे तो दोनों की आउटकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 आउटकम्स आपके पास आएंगी। वो 4 आउटकम कौन कौन सी होंगी, एक तो ये है कि दोनों काइंड्स पे हेड आ जाए, एक ये है कि पहले वाले काइंड पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे ही टेल आ जाए। देर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। ये हमने डिस्प्ले करके भी देख ली कि क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल। आगे है कि अगर 3 काइंड्स को हम टास्क करते हैं तो ये भी कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है, जो एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से मिलके बना होता है वो कंपाउंड होता है, कि पहले की 2, दूसरे काइंड की 2, तीसरे काइंड की 2 आउटकम्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल 8 आउटकम्स बना देंगे। तो 3 काइंड्स को टास्क करने से 8 आउटकम्स बनती हैं। ये 8 आउटकम कौन सी होती हैं या उसके लिए सैम्पल स्पेस कौन सी बनती है वो हम देखते हैं। तो पहला चांस तो ये है कि तीनों पे ही हेड आ जाए। नेक्स्ट चांस ये हो सकता है कि
पहले दो पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, फिर आप ऐसे करें कि टेल को दरमियान में ले आए, कि दरमियान वाले पे टेल आ जाए, साइडों वालों पे हेड आ जाए, टेल शुरू वाले में आ जाए और नेक्स्ट टू जो है उन पे हेड आ जाए। इसी तरह टेल के लिए कर लें कि तीनों पे ही टेल भी आ सकती है, हेड आप कोने पे रखें और शुरू में दो टेल्स और एंड पे हेड, दरमियान में हेड, कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, शुरू में हेड दरमियान में टू टेल, तो ये 8 पॉसिबल आउटकम बन सकती हैं। सिंपल सा ट्रिक क्या है कि पहले टेल एंड पे, फिर टेल दरमियान में, फिर टेल शुरू में, इसी तरह तीनों टेल डाल के पहले हेड एंड पे, फिर हेड दरमियान में, फिर हेड शुरू में, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे वो कहते हैं कि अगर आपने 4 काइंड टास्क करने हो तो कितनी आउटकम बनेंगी। जाहिर है कि ये भी कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट से मिलके बना है, पहले काइंड की 2 आउटकम्स, दूसरे की 2 आउटकम्स, तीसरे की 2 आउटकम्स और फोर्थ की भी 2 आउटकम्स, और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स बन जाती हैं। टोटल आउटकम हमारे पास 16 बन जाएंगे। आप अगर 16 को काम तौर पे आता तो नहीं, लेकिन कभी सवाल आ जाता है जिसमें 4 काइंड्स के बारे में कहा गया होता है, तो इसकी टोटल आउटकम्स बनानी हो तो बड़ी आसान है कि पहले ये 3 की तो आप आसानी से बना लेते हैं, तो जैसे अभी आपको बताया कि 3 की जब आप 8 आउटकम्स बना लेंगे, पहले 3 की 8 आउटकम्स बना लें, उनमें इन सब के साथ एक एक हेड लगा दें, हेड 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 एंड हेड हेड, तो ये 8 केस आपके बन जाएंगे। क्या किया कि इसमें सबके साथ हेड लगा दिया, फिर इन सब के साथ आपने टेल लगा देनी है, टेल शुरू में, टेल 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 टेल, और आखिरी वाले पे भी टेल लगा दें, 8 केस ये बन जाएंगे। तो वेरी सिंपल, आपके 16 केस जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये कहाँ से आप आएंगे कि ये वाला केस आपको पता होना चाहिए, इनके साथ पहले हेड लगा दें सबके साथ, 8 केस बन जाएंगे, सबके शुरू में टेल लगा दें तो ये 8 केस बाकी के बन जाएंगे। शुरू में पहले हेड लगा दें सबके, 3 हेड तो पहले थे, एक हेड लगा दिया, 2 हेड थे, एक हेड और लगा दिया, एक हेड शुरू में था, एक और लगा दिया, ये तीनों टेल्स थी, एक हेड लगा दिया, कि इन सब के साथ एक दफ़ा हेड और दूसरी दफ़ा इन सब के साथ टेल, तो 3 हेड थे, शुरू में टेल लगा दिया, 2 हेड थे, शुरू में टेल लगा दिया, हेड एक था, टेल हेड टेल हेड, इस तरह आपके ये 16 केस जो हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन जो आमतौर पे आता है आपको काइंड टास्किंग में, वो इसी तरह होता है कि व्हेन 3 काइंड वर टास्क तो आप ये वाली सैंपल स्पेस बना लेंगे, व्हेन 2 काइंड वर टास्क कहेगा तो ये वाली सैंपल स्पेस बना लेंगे, जब 1 काइंड टास्क का कहता है तो ये सैंपल स्पेस बना लेंगे, जब 4 काइंड कहता है तो ये सैंपल स्पेस बना लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने प्रॉबेबिलिटी निकालनी होती है। प्रोबेबिलिटी का आपको तरीका बताया होता है कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के टोटल केस, इसलिए हम ये बार बार टोटल केसेस पे तो जो दे रहे हैं कि टोटल केस कैसे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 2 है कि काइंड की बजाय अगर हमारे पास डाइस हो, जिन्हें हम लूडो के वो दाने कहते हैं, तो एक जब आप डाई को रोल करते हैं तो आपके पास 6 आउटकम बनती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, के जब 2 डाइस हों तो फिर आपके पास पहले की 6 और दूसरे की 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 आउटकम्स बनती हैं। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में बताया हुआ है कि अगर पहले एक्सपेरिमेंट की
आउटकम 6 हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट की भी 6 आउटकम्स हैं, तो दोनों दो डाइस आप इकट्ठे फेंक रहे हैं तो 6 × 6 36 आउटकम बन जाएंगे। ये वाली 36 आउटकम मैंने बनाई हुई है कि ये 36 आउटकम कैसे हैं कि पहले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, क्योंकि तमाम आउटकम्स का जो सेट होता है उसको ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये सैंपल स्पेस मैंने डिस्प्ले की है एक तरह की बना के, कि पहले डाई पे भी 1 है, दूसरे पे भी 1 है, तो हमने 1 1 लिख लिया। डॉट्स को हम काउंट करते जाते हैं, पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, 1 एंड 2 आ गया, पहले पे 1 है, दूसरे पे 3 है, 1 3 आ गया, पहले पे 1 है, दूसरे पे 4 है, 1 4 आ गया, पहले पे 1 है, दूसरे पे 5 है, पहले पे 1 है और ग्रीन वाले पे 6 है, ये आ गया। इसी तरह 2 के साथ आप ये कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह 3 के साथ कि पहले पे 3 है, दूसरे पे 1, पहले पे 3, दूसरे पे 2, पहले पे 3, दूसरे पे 3 एंड सो ऑन, आखिरी वाले पे पहले पे 6, दूसरे पे भी 6, मैक्सिमम आपका ये जो है आ जाएगा। तो ये 36 केस बनेंगे 6 × 6। तो जब 2 डाइस का कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो टोटल आउटकम्स आपकी 36 बनेंगी, 1 डाई का होगा तो टोटल आउटकम 6 बनती थी। इसके न्यूमेरिकल आपने पहले लेक्चर्स में किए हुए हैं 1 डाइस के लिए, 2 डाइस के लिए आज हम करेंगे। तो चलें ये आते हैं हम क्वेश्चन एग्जांपल 3 पे, के इसमें आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में। वो कहता है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मुख्तलिफ केसेस दिए हुए हैं, ये 4 केसेस आपको दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, नो हेड, एट मोस्ट 2 हेड। ये 4 प्रोबेबिलिटीज आपको निकालने के लिए कहा गया है, कब, जब 2 कॉइन्स को आप टॉस करते हैं। आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है कि 2 कॉइन्स आर टॉस। तो टोटल आउटकम्स निकालें सैंपल स्पेस की, पहले कॉइन की 2 और दूसरे कॉइन की 2, 2 × 2 रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन के तहत 4 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। 4 पॉसिबल आउटकम आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे पीछे हम करके आए हैं कि दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले काइंड पे टेल, दूसरे पे हेड, या दोनों काइंड्स पे टेल आ जाए। ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है कि पॉसिबल रिजल्ट का जो सेट बनाया जाता है उसको सैंपल स्पेस कह देते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये 4 इवेंट दिए गए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट क्या होता है कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट, टोटल कितने 4 हैं। तो हर इवेंट को हम फेवर करने वाले एलिमेंट्स ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, सैंपल स्पेस में से, और टोटल पे डिवाइड करते जाएंगे। तो वेरी सिंपल, आपके पास प्रोबेबिलिटी आती जाएगी। मसलन पहले पार्ट में वो कहता है एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड जो है ये इसको आपने ए इवेंट कह दिया, नाम दे देते हैं आप इवेंट को, ए बी सी डी में से आमतौर पे दिए जाते हैं। देन ए के कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए किसको शो कर रहा है जिनमें एग्जैक्टली 1 हेड हो, इसमें तो 1 हेड नहीं है, एग्जैक्टली 1 के पूरा 1 हेड हो, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो ए को फेवर करने वाले 2 केस हैं, इस इवेंट के ये 2 एलिमेंट बन गए। तो यहाँ एन ए जो है आपके पास 2 के बराबर होगा। एन ए से मुराद क्या होगा कि इवेंट ए को फेवर करने वाले आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, ए को फेवर करने वाले डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स। एन एस से मुराद क्या होता है, सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स, ये शुरू में आपने पढ़ा हुआ है। तो ए के 2 एलिमेंट्स थे फेवर करने वाले, टोटल 4 थे, 2/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 बन जाएगी।
दूसरा इवेंट क्या कहता है कि एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड से मुराद क्या होती है, वन या वन से ज़्यादा। वन से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, क्योंकि दो काइंड्स हैं, वन से ज़्यादा टू भी आ सकते हैं। अब हमने वो केस देखने जिनमें एटलीस्ट वन हेड आ रहा है, कहाँ से देखने, सैंपल स्पेस से। इसमें भी एटलीस्ट वन हेड आ रहा है कि कम अज़ कम एक ज़रूर होना चाहिए, इसमें भी है कम अज़ कम एक, इसमें भी कम अज़ कम एक है, इसमें भी कम अज़ कम एक है। तो बी सेट नाम दे दिया इस इवेंट को, तो बी के एलिमेंट हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, ये तीन केस आ गए। और बी को फेवर करने वाले तीन थे, टोटल आपके चार थे, 3/4 प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। फेवर करने वाले बी के जो हैं एन बी और टोटल जो हैं एन एस सैंपल स्पेस के एलिमेंट। थर्ड केस है कि नो हेड, कि कोई भी हेड ना आए। अब इसको फेवर करने वाले कितने केस हैं, ये चार केसेस में देखें कोई ऐसा केस है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा। यस, ये वाला केस जो है जिसमें दोनों टेल आ रही हैं, इसमें कोई हेड नहीं है, तो ये सी इवेंट को फेवर करने वाला है, क्योंकि नो हेड को हमने सी इवेंट कहा, सी को फेवर करने वाला इन चारों में से ये था जिनमें दोनों टी आ रही हैं, कि अगर दोनों दफ़ा टेल आ जाए तो हेड तो कोई नहीं आएगा ना, ये केस आपका आ जाएगा। नो हेड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये केस होगा। और सी के एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगी, 1/4। फोर कहाँ से आएगा, ये टोटल जो एलिमेंट्स हैं आपके। डी इवेंट कहता है एटमोस्ट टू हेड्स। ये गौर से देखें कि एटमोस्ट टू हेड से मुराद ये है कि मैक्सिमम आपके पास दो हेड आ जाए, कम से कम की इसने कोई शर्त नहीं लगाई। अब इसमें भी मैक्सिमम दो हेड हैं, कम जितने मर्जी आ जाएं, इसमें भी एटमोस्ट टू हेड जो हैं इसमें भी हैं और इसमें भी। एटमोस्ट टू से मुराद आप ये ले लेते हैं कि टू आर लेस, दो या दो से कम। एटमोस्ट टू से मुराद दो या दो से कम, मैक्सिमम टू या उससे नीचे जितने मर्जी आ जाए। तो टू हेड भी हो सकते हैं, वन हेड भी हो सकते हैं, जीरो हेड भी हो सकता है, ये सारे जो है एटमोस्ट टू में आ जाएंगे, एटमोस्ट टू में आ जाएंगे ये चार केस। और एन डी जो है आपके पास, कि डी को फेवर करने वाले चार एलिमेंट होंगे, टोटल भी चार हैं, 4/4, ये वन के बराबर आ जाएगा। बाद स्टूडेंट इसको ज़ीरो लिख देते हैं, ये वन के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल फोर पे, कि पिछली एग्जांपल में हमने टू काइंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, अब थ्री काइंड्स पे करते हैं कि व्हेन थ्री काइंड्स आर टास्क, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉलोइंग इवेंट्स, कि ये इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली वन टेल, एट लीस्ट टू हेड्स, नो हेड, एट मोस्ट टू हेड, एक्सेट्रा। सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस की कितनी आउटकम्स बनती हैं, कि जैसे आपने शुरू में एग्जांपल की है कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत के थ्री काइंड्स हैं, पहले की दो, दूसरे की दो और तीसरे की दो, तीन काइंड्स की दो दो आउटकम्स हैं, तीनों मिला के हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो इनकी आउटकम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत। 2 2s are 4, 4 2s are 8। बाद स्टूडेंट इसे 6 लिख देते हैं, ये जब ज़रब होते हैं 4 और 2, 4 को 2 से ज़रब दें तो 8 बनती हैं। अब 8 आउटकम्स कौन सी आती हैं, ये आपने एग्जांपल 1 में या शुरू में देखी हैं, कि जैसे आपको कहा था कि पहले तीन दफ़ा आप हेड लिख लेते हैं, फिर टेल शुरू में ले आते हैं, एंड पे ले आते हैं, फिर टेल दरमियान में ले जाते हैं, फिर टेल शुरू में ले आते हैं। इसी तरह तीन दफ़ा टेल लिख के एक हेड एंड पे, हेड दरमियान में और हेड शुरू में, ये आपकी 8 आउटकम्स जो हैं वो बन जाती हैं। कि ये 8 आउटकम बनाने के बाद आपने सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम्स आपके पास 8 आ गई, ये हमने यहाँ लिखा हुआ टोटल आउटकम्स 8। ये हमें क्यों ज़रूरत होती, क्योंकि डिनोमिनेटर में या जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे हमने ये टोटल आउटकम्स की तादाद ही लिखनी होती है,
और ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी में इवेंट को फेवर करने वाली आउटकम्स की तादाद लिखनी होती है। अब यहाँ पहला इवेंट था एग्जैक्टली वन टेल, इसको ए नाम दे दिया, तो ए को फेवर करने वाले कौन से हैं, कि ये क्या कहता है कि वो केस जिनमें एग्जैक्टली वन टेल हो, इसमें तो वन टेल नहीं है, इसमें वन टेल है, एक केस ये हो गया, इसमें वन टेल है, एक केस ये हो गया, इसमें वन टेल है, एक केस ये हो गया, तीन केस हो गए, और इसमें टेल जो है वन से ज़्यादा हैं, इसमें टेल भी वन से ज़्यादा हैं, इसमें भी टेल जो है वन से ज़्यादा हैं, इसमें भी टेल वन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाले तीन केस जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे कि इन तीनों में एक एक टेल है, तो ए को फेवर करने वाले ये तीन केस होंगे। तो ए को फेवर करने वाले ये तीन केस थे, ये हमने इधर लिख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगी, ए को फेवर करने वाले डिवाइडेड बाय टोटल केस, थ्री फेवर करने वाले टोटल अभी आपने निकाले थे कि टोटल सैंपल स्पेस के 8 केस हैं, 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। कि सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड में वो कहता है कि एटलीस्ट टू हेड्स, जब थ्री काइंड्स को टास्क कर रहे हैं तो उसमें कम अज कम जो है वो टू हेड आ जाए। तो ये हम कैसे देखेंगे कि पीछे आपने देखे हैं कि कौन से केस हैं जिनमें कम अज कम दो हेड आ रहे हैं, या टू हेड, एटलीस्ट टू से मुराद होता है टू आर मोर, एटलीस्ट टू से मुराद दो या दो से ज़्यादा, कि ये भी शर्त पूरी करता है क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा हैं, हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा को हम एटलीस्ट टू कहते हैं, तो ये भी शर्त पूरी करता है क्योंकि इसमें दो हैं, ये भी शर्त पूरी करता है क्योंकि इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और इसमें दो या दो से ज़्यादा नहीं है, इसमें दो या दो से ज़्यादा नहीं है, इसमें दो या दो से ज़्यादा नहीं है, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कि चार केस ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा हेड आ रहे हैं, तो चार फेवर करने वाले केस हो जाएंगे, टोटल आपके 8 केस हो जाएंगे, 4/8 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये हमने निकाली हुई है कि ये चार केस जो है फेवर करने वाले आ गए, टोटल आपके 8 केस हो गए, तो 4/8 प्रोबेबिलिटी। थर्ड है कि वेन 3 काइंड्स को आप टास्क कर रहे थे तो कोई भी हेड ना आए, नो हेड, तो इसको हमने सी इवेंट का नाम दे दिया, और सी को फेवर करने वाले कितने हैं, हम पीछे देखते हैं कि सी को फेवर करने वाले के नो हेड किस में है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक केस है जिसमें हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो नो हेड को फेवर करने वाला एक केस है, तो सी इवेंट को फेवर करने वाला एक केस है जिसमें तीनों टेल्स आ जाती हैं, तो सी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चौथी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स में से मराज ये है टू आर लेस देन टू हेड, कि वो केस लेने जिसमें दो हेड आ जाएं, ये दो से कम, दो से कम एक भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, तो सैंपल स्पेस में जाते हैं फिर देखते हैं कि कौन से केस है जिसमें टू या टू से लेस हेड हैं, एक केस ये है जिसमें टू है, एक केस ये है जिसमें टू है, एक केस ये है जिसमें टू है, इसमें टू से लेस हैं, इसका मतलब 0 हेड है, इसमें भी टू से लेस हैं, इसमें भी टू से लेस हैं, और इसमें भी टू से लेस हैं, तो हमने एट मोस्ट टू से मुराद क्या है, टू एंड लेस देन टू, टू आर लेस, दो या दो से कम, तो ये 7 केस ऐसे हैं जिनमें दो या दो से कम एलिमेंट आ रहे हैं, ये याद रखना है कि एट लीस्ट टू से मुराद टू आर मोर, एट मोस्ट टू से मुराद टू आर लेस, ये लिखा नहीं होता, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल में लिखा, ये आपके जहन में होने चाहिए। तो 7 आपको टोटल में से 7 केस इस इवेंट को फेवर करने वाले थे, कि जिसमें एट मोस्ट टू हेड आ रहे थे, कि दो या दो से कम, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो,
इसमें दो से कम, 0 1 1 1, ये सारे दो से कम हैं, तो 7/8 आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। 7 आपके फेवरेबल केस एंड डी डी इवेंट को फेवर करने वाले 7 है, टोटल 8 है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आप डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट पे, के व्हेन टू डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 8 केसेस आपको पूछे गए हैं, सेम नंबर आ जाए, सम इक्वल टू 5 आ जाए, सम ग्रेटर देन 10 आ जाए एंड सो ऑन। इसके सोल्यूशन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं कि सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम्स जो हैं वो निकालेंगे। टोटल आउटकम्स निकालने के लिए यहाँ भी जो एक्सपेरिमेंट की नेचर वही है कि दो एक्सपेरिमेंट से मिला के बनाया है, एक डाई एक एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा डाई दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 6 पहले डाई की आउटकम्स, 6 दूसरे डाई की आउटकम, 36 आउटकम्स बन जाएंगे आपके पास। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं कि इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 36 आपके पास आउटकम आ गए। तो 36 आउटकम में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं सैंपल स्पेस को। ये पहले भी आपने एग्जांपल में की है कि जब टू डाइस को थ्रो करते हैं तो ये हो सकता है कि दोनों पे 1 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 4 5 एंड 6 आ जाए। अब पहले पे ये भी हो सकता है कि 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए एंड सो ऑन। ये आपके 36 केस बन जाते हैं। ये जो ब्लू कलर में है ये सारी आपकी सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस में आते हैं जो येलो कलर के हैं, ये 36 केस आपके सैंपल स्पेस में है। अब ए इवेंट जो उसने बनाया है आपके सामने, ए इवेंट क्या है कि सेम नंबर ऑन बोथ डाई, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ डाई, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के आपने दो डाइस को थ्रो किया और दोनों पे एक जैसे नंबर आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं। दो डाइस को रोल किया दोनों पे एक जैसे नंबर आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 36 केसों में कितने केस ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर आते हैं, सेम नंबर 1 1 भी सेम नंबर है, 2 2 भी सेम नंबर है, 3 3 भी सेम नंबर है, कि दोनों डाई पे एक जैसे नंबर है, कि पहले पे भी 4 दूसरे पे भी 4, पहले पे भी 5 दूसरे पे भी 5, पहले पे भी 6 दूसरे डाई पे भी 6। तो सेम नंबर को फेवर करने वाले आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 केस हैं, जिनको मैंने येलो कलर में जो है या ऑरेंज कलर में लिख दिया है। तो ये ए इवेंट आपने बनाया था सेम कलर को, सेम जो है नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला, तो ए को फेवर करने वाले 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आ गया। अब ए को फेवर करने वाले 6 एलिमेंट हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका 2 डाइस का था और सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट आपके 36 हैं, तो 6/36 या 6/36 जो है आपकी प्रॉबिबिलिटी निकल आएगी। तो अब दूसरे केस पे आते हैं, दूसरे में बी इवेंट लेते हैं कि सम इक्वल टू 5, तो दो डाइस को आपने थ्रो किया, दोनों पे जो डॉट आए ऊपर वाले फेस पे उनका सम करें तो वो 5 के बराबर हो, तो ये कितने केसों में ऐसे होता है या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपने निकालनी है, तो सम इक्वल टू 5। फिर आप वो सैंपल स्पेस देखेंगे और सैंपल स्पेस में ये आप वैसे बना लेते हैं, एक ही दफ़ा बनाते हैं, मैंने ये बार बार बनाई हुई है तो आपको समझाने के लिए। अब उसमें इस 36 केसों में वो केस आपने उठाने हैं जिनका सम 5 के बराबर आता है, कि ये मैंने ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है, ये देखें कि 1 और 4 जब इनका सम लेते हैं, सम क्या होता है जमा करते हैं, 1 और 4 को जमा करें तो 5, 2 और 3 को जमा करें तो 5, 3 और 2 को जमा करें तो 5, 4 और 1 को जमा करें तो 5 बनता है, या इनका सम चारों केसेस में सम जो है 5 के बराबर बन रहा है।
इसके अलावा कोई और केस ऐसा नहीं है जिनका सम जो है वो 5 के बराबर बनता हो। तो बी इवेंट से आपने शो किया था सम इक्वल टू 5, तो बी को फेवर करने वाले यही चार एलिमेंट आ जाएंगे, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। तो 4 फेवर करने वाले एलिमेंट हैं, 36 आपके टोटल एलिमेंट हैं, 4 बाई 36 बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ एक बात और देख लें कि अगर सम 4 मैंने किया है, सम अगर 5 वो कहता है, सम 5 के लिए हमने ये किया है, अगर सम 6 कहता है तो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, तो ये सारे केस जो हैं सम 6 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और इसी तरह ये अगले जो केस हैं ये सम 7 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 एंड 1 7। इसी तरह नेक्स्ट जो है सम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ये वाले सम 8 को। इसी तरह नेक्स्ट जो हैं ये सम 9 को, 3 एंड 6 9, 4 एंड 5 9, 5 एंड 4 9, 6 एंड 3 9। इसी तरह ये सम 10 को रिप्रेजेंट करने वाले 4 6 5 5 6 4, ये सम 11 को और ये सम 12 को। मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम जो है वो 12 होगा जब आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे होते हैं। तो ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी निकाली है सम इक्वल टू 5 के लिए। आप सम इक्वल टू 6 की भी निकाल सकते हैं, 7 की भी निकाल सकते हैं, 8 की भी निकाल सकते हैं, 9 10 11 12, किसी की भी निकाल सकते हैं। आपने देखने के कितने सम ऐसे हैं जो कि 12 हैं या 7 हैं या 8 हैं, वो आपके फेवरेबल केस हो जाएंगे। और टोटल आपके पता ही है कि 36 केस हैं ये सारे, तो 36 में से 4 आपने फेवरेबल निकाले थे क्योंकि जिनका सम 5 के बराबर था, तो 4 ओवर 36 जो है वो आपकी प्रॉबेबिलिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है कि सैंपल स्पेस वही है, क्वेश्चन है कि सम ग्रेटर देन 10 जो है वो आ जाए, सम ग्रेटर देन 10 आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि जब 2 डाइस को थ्रो किया तो सम उनका ग्रेटर देन 10 आ गए। इसको आपने इवन सी का नाम दे दिया। अब वो केस पकड़ने हैं आपने जिनका सम जो है ग्रेटर देन 10 आ रहा हो। ग्रेटर देन 10 से मुराद क्या है कि 11 आ जाए सम या 12 आ जाए, 11 और 12। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि 11 वाले ये दो केस हैं, 5 6 एंड 6 5, ये 10 से ज़्यादा हो गए, और 12 वाला एक ही केस है। ये दोनों केस ऐसे हैं, तीनों केस ऐसे हैं जो सम जिनका सम ग्रेटर देन 10 बन रहा है। ग्रेट इक्वल टू 10 होता तो ये केस बनते 4 6 5 5 6 4, लेकिन उसने कहा सम ग्रेटर देन 10 कि 10 वाले ये तीन केस थे, इसके आगे वाले जो हैं वो ग्रेटर देन 10 है, इनके पीछे वाले जो होंगे वो सारे लेस देन 10 है। तो ग्रेटर देन 10 वाले ये तीन केस थे, तीन फेवरेबल केस और टोटल आपके 36 केस। नेक्स्ट चौथे केस में वो कहता है कि एटलीस्ट 1 अकर ऑन आइदर डाई। यहाँ सम की बात नहीं करता, वो कहता है कि 2 डाई जब आपने थ्रो किए हैं तो किसी एक डाई पे 1 ज़रूर आना चाहिए, एटलीस्ट 1। दोनों पे 1 आ जाए या कम अज कम एक पे ज़रूर आए, एटलीस्ट 1 से मुराद होता है 1 और 2, एक या एक से ज़्यादा पे 1 आ जाए। अब हम वो केस ढूंढेंगे जिनमें 1 आ रहा होगा। ये सारे केस ऐसे हैं जिनमें 1 आ रहा है, इधर भी ये सारे केस ऐसे हैं जिनमें 1 आ रहा है, इसमें एटलीस्ट 1 आ रहा है, 1 या 1 से ज़्यादा। तो ये सारे केस आप काउंट कर लें कितने हैं, ये 11 केस बनते हैं। तो 11 ओवर 36 में से 11 केस ये हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11 ओवर 36। इसको हमने डी इवेंट का नाम दिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगी 11 ओवर 36, कि डी को फेवर करने वाले 11, फेवर करने वाले को एन ब्रैकेट डाल के डी लिख देते हैं कि डी को फेवर करने वाले एन
एस के पूरी सैम्पल स्पेस को फेवर करने वाले, ये 36 हैं, तो 11/36 आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा जो है आपके पास ई इवन टर्म बना लेते हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डार्ट इज इक्वल टू वन। इसमें क्या कहता है कि दो डाइस को आपने थ्रो किया है और दोनों डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका डिफरेंस लिया जाए तो वो वन के बराबर हो। एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट से मराद है कि माइनस को आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ डिफरेंस को लेना है। डिफरेंस इज इक्वल टू वन, उनका डिफरेंस वन के बराबर आए, दो डाइस को आपने थ्रो किया, आपको कहा जाता है कि अगर उनका डिफरेंस वन के बराबर आता है तो फर्ज करें कि आप वो गेम जीत जाते हैं, तो आपको गेम जीतने के कितने चांसेस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालना चाहते हैं। अब 36 में से वो केस देखेंगे जिनका डिफरेंस वन का आ रहा है, जाहिर है कि आगे पीछे के नंबर होंगे तो डिफरेंस उनका वन का आएगा, जैसे 1 2 है या 2 1 है, इनका डिफरेंस वन आ जाएगा। ये भी आगे पीछे के नंबर हैं, 2 3 या 3 2 है, इनका डिफरेंस वन के बराबर है। 3 के आगे 4 आता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये भी आगे पीछे के नंबर हैं, 4 के बाद 5 है, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ये भी आगे पीछे के नंबर हैं, 5 6 और 6 5, इनका डिफरेंस भी 1 है। इसके अलावा देखें गौर से तो कोई और डिफरेंस 1 नहीं है, यहाँ 6 और 4 का डिफरेंस 2 का है, यहाँ 6 और 3 का डिफरेंस 3 का है, यहाँ 6 और 1 का डिफरेंस 5 का है। तो डिफरेंस 1 वाले आपके पास ये 10 केस आएंगे, तो ये 10 केस आपकी सैंपल्स पे वो इवेंट के एलिमेंट हो जाएंगे और फेवरेबल केस 10 हो जाएंगे। टोटल केस आपके 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी 10/36 आपके पास आ जाएगा, ई को फेवर करने वाले और टोटल केस, ये 10/36 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह डिफरेंस के लिए डिफरेंस 1 लिखा हुआ, डिफरेंस 2 का भी वो पूछ सकता है, उसके लिए 2 डिफरेंस वाले देख लेंगे। मसलन ये 1 3 है, ये 2 4 है, इस तरह के केस जो है वो आप ढूंढ लेंगे, कि उनके मुताबिक आप प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। कोई भी केस जो है इस तरह आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 6 केस है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ डार्ट इज इक्वल टू 5, कि डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस वो कहता है कि 5 के बराबर आ जाए, कि जाहिर है कि 5 के बराबर डिफरेंस कब आएगा, जब 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाता है, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाता है, मैक्सिमम डिफरेंस 5 ही आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ 1 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ 0 का फ़र्क आ रहा है। तो 2 फेवर करने वाले केस होंगे, टोटल 36 होंगे, 2/36 प्रॉबिबिलिटी आ जाएगी। ये केस अगर आपने इवेंट में लिखने हैं तो ये लिख भी सकते हैं, तो 1 6 4 6 1। तो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ क्या कहते हैं कि 7th पार्ट में कि प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने कि ये जो डार्ट्स आपके पास आते हैं जब दो डाइस को आप थ्रो करते हैं, इनका प्रोडक्ट लें तो वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो। इनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट क्या होता है कि दोनों को ज़रब दें आपस में तो वो ऐसा नंबर आ जाए जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। जैसे इन दोनों को ज़रब दें तो 1 × 1 करें तो 1 ही आता है, ये तो 4 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ये भी 4 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो 4 पे पूरा पूरा तकसीम होने वाले कौन से हैं आपके पास? एक तो वो जिनमें 4 खुद आ रहा होगा, ये केस सारे जो हैं ये 4 पे पूरे पूरे तकसीम हो सकते हैं, के 4 पे तकसीम होने वाले इनमें कौन कौन से होंगे? मैक्सिमम जो है वो 36 है आपके पास, मिनिमम जो है वो प्रोडक्ट 1 के बराबर है। 36 कैसे? 6 बराबर 6,
36 प्रोडक्ट वो वाले लेने हैं जो चार पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं। के बाज़ुकात तो हम प्रोडक्ट यहाँ लिख भी लेते हैं, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, उसके ऊपर छोटे छोटे लिख लेते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं कि उनमें चार पे तकसीम होने वाले कौन से हैं। लेकिन ये एक आपको ट्रिक बता दूं कि जो चार के साथ जिनमें फोर आता है मल्टीप्लाई करते वक्त, वो सारे चार पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएंगे। ये देखना, चार एकम चार, चार पे तकसीम करें पूरा पूरा तकसीम आ जाएगा। फोर टू ज़ार एट, चार पे तकसीम करें तो ये टू आ जाएगा। फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, चार पे तकसीम करें तो ये थ्री आ जाएगा, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इसी तरह फोर फाइव है, फोर फोर है, इसी तरह ये वाले हैं जिनमें फोर आ रहा है, ये फोर पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएंगे। इनके अलावा भी कुछ हैं, मसलन इनमें एक ही नंबर है कि टू मल्टीप्लाइड बाई टू, ये भी फोर बनता है, फोर फोर पे पूरा पूरा तकसीम आ जाता है। सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू, प्रोडक्ट एट हो गया, टू फोर पे तकसीम करें तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, 36 हो गया, फोर पे तकसीम करें तो नाइन फोर बार 36 होता है, पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह टू सिक्स है, एट बनता है, फोर एट फोर पर तकसीम करें तो टू आ जाएगा, ये भी पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो ये केस टोटल आपके बनते हैं। ये केस नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि थ्री फाइव बार दोनों को वर्ब दें तो प्रोडक्ट 15 बनता है, चार पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो ये केस कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये 15 केस हमने यहाँ लिख लिए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी को फेवर करने वाले, और टोटल 15/36 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। लास्ट केस हम देखते हैं कि सम इज डिविजिबल बाई थ्री। पहले तो था ना प्रोडक्ट, अब वो कहता है कि सम जो है तीन पे पूरा पूरा तकसीम होता है। सम कैसे करेंगे कि वन और वन का सम टू है, वन और टू का सम, सम क्या होता है, जमा करना, कि ये थ्री है ये भी थ्री है, कि वो सम लेने हैं हमने जो तीन पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं, जो तीन पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं। ये देखो वन और टू जब आप करेंगे तो ये तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, थ्री वन फाइव थ्री आ जाएगा। ये फोर आ जाएगा, ये तीन पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता, ये भी तीन पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनको जमा करेंगे पाँच बन जाएंगे। ये वन और फाइव ये सिक्स बनते हैं, तो ये तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, तो जहाँ भी सिक्स आएगा वो तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। ये सारे सिक्स की लाइन है जिनका सम जो है वो सिक्स के बराबर है। एक और पाँच छः, दो और चार छः, तीन और तीन छः, चार और दो छः, पाँच और एक छः, और ये सारे तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएंगे। तीन आ जाए, दो और एक तीन, एक और दो तीन, ये भी तीन पे पूरा तकसीम हो रहे हैं। तीन छः नौ, नाइन जो है ये भी तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। थ्री सिक्स फोर फाइव, फाइव फोर सिक्स थ्री, और ट्वेल्व भी थ्री पे पूरा पूरा तकसीम होता है, सिक्स प्लस सिक्स जो है ये ट्वेल्व बनता है। जब आप सम की बात करते हैं तो सम दो से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम ट्वेल्व सम तक आता है। इनमें थ्री आ जाए तो वो थ्री पे पूरा तकसीम आ जाएगा, सिक्स की लाइन जो है ये थ्री पे पूरा तकसीम हो जाएगा, नाइन की लाइन जो है ये भी थ्री पे तकसीम हो जाएगा, और ट्वेल्व की लाइन जो या ट्वेल्व जो है ये एक ही वैल्यू है, ये भी पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इन सब को काउंट कर लें, क्योंकि उसने कहा है कि सम इज डिविजिबल बाई थ्री, तो सम डिविजिबल बाई थ्री से मुराद के तीन पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो ये केस जो आपने ऑरेंज कलर में लिखे हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आ गए, तो 12/36 आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो काइन टॉसिंग और डाई थ्रोइंग के कोई भी मोस्टली जो क्वेश्चन है इसी टाइप के आते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन देना चाहे आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी में, तो काइन और डाइस के
के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर ये आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, समझ के करते हैं, तो कॉइन और डाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे प्रोबेबिलिटी में। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आगे दिए हुए हैं, ये आप ट्राई कर लीजिएगा कि डू योर सेल्फ, पाँच पार्ट दिए हुए हैं, इनको आप जो है प्रैक्टिस करें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड व्हेन थ्री काइंस आर टास्क, थ्री काइंस को टास्क करेंगे तो एट आउटकम्स बनेंगी, वो पीछे आपने बनाई हुई हैं, उनमें वो केस लेने हैं जिनमें थ्री हेड आ रहे हों, तो वो आपके पास जो है फेवरेबल केस बन जाएंगे, तो फेवरेबल केस बाय टोटल केस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरह ये तमाम केसेस में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू।